ये कहानी है दो ऐसे परिवार की जिसमें एक बहुत ही गरीब है और छोटी जात का है, दूसरा जो अमीर है और बड़ी जात का है। कहानी हर व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देने वाली है, तो गौर से सुनिएगा। एक दिन की बात है, उस गरीब परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही अमीर परिवार के यहाँ भी बेटे का जन्म होता है। 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, खुशी का माहौल चारों ओर फैल गया था। लेकिन एक समस्या आ गई थी, उनकी माँ को दूध ना के बराबर हो रहा था। अब बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तभी उन्हें एक उपाय सूझा कि क्यों ना उस गरीब परिवार वाले से बात किया जाए, उन्हें कुछ लोभ देकर, पैसे देकर हमारे बच्चे को अपना दूध पिलाने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन समस्या एक और भी थी, वो गरीब परिवार छोटी जात का था, लोग छुआछूत बहुत मानते थे। फिर उनके मन में एक खुराफात सूझा कि यार, नियम और तौर तरीके गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं। अमीर जब चाहे जो चाहे कर सकता है। उन्होंने सोचा कि अभी हमें उनकी आवश्यकता है, हमारा बच्चा अभी छोटा है, छू ही लिया तो क्या हो गया, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तब मना कर देंगे। फिर उन्हें बुलाया गया, उन्हें पैसे दिए गए, उनके परिवार को पालने की जिम्मेदारी ली गई। उसी दिन से वो गरीब माँ उनके बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दी। सारा दूध उनके बच्चे को पिलाने के बाद वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी। उनके बच्चे के लिए बाहर से दूध की व्यवस्था की गई थी। फिर क्या था, अमीर परिवार का बच्चा बहुत ही स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होता गया, लेकिन गरीब परिवार का बच्चा दिनों दिन बाहरी दूध पीकर कमजोर होता गया। लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण उनके बच्चे को दूध पिलाती रही। जब तक बच्चा दूध पीता रहा, गरीब परिवार को सब कुछ मिलता रहा। लेकिन जैसे ही बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, उसके बाद सभी उस गरीब परिवार को नज़रअंदाज करने लगे। उस परिवार को पहले की तरह कुछ नहीं मिलता था। समय बीतता गया, दोनों बच्चे 10 साल के हो गए। जो गरीब परिवार का बच्चा था वो बहुत ही कमजोर था। कुछ दिन के बाद ही उसके माँ बाप की गरीबी और बीमारी कारण मौत हो जाती है और वह बच्चा अकेला हो जाता है। वह उस अमीर परिवार के यहाँ रहने लगता है। हर दिन वो वहाँ का सारा काम करता है। उसके बदले उसे उस परिवार का जूठा खाना मिट्टी के बर्तन में नसीब होता है और पहनने के लिए उनके बेटे के पुराने कपड़े सब मिलते थे। बातें सिर्फ यहाँ ही खत्म नहीं हो जाती, उन्हें अक्सर डांट पड़ती रहती थी, मार भी खानी पड़ती थी। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता था जो उसकी माँ का दूध पी के बड़ा हुआ था। अब वो जाए तो कहाँ जाए, उन्हें खाने को कौन देता, यहाँ तो उन्हें कम से कम खाना तो नसीब होता था। कहानी यही खत्म हो जाती है, पर अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे गौर से सुनना। ये कहानी सिर्फ उस समय की नहीं थी, ये कहानी आज के समय की भी है। और ये सोच के शर्म आती है कि हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं और हम सभी के सामने ये दृश्य बार बार आता ही रहता है। समाज के अक्सर लोग स्वार्थी हैं, जात पात अमीर गरीब के आधार पर आज भी छुआछूत और भेदभाव किया जाता है। ये कहानी गरीबों के प्रति अमीरों के नज़रियों को दिखाती है। गरीब को आज भी लोग अपनी आवश्यकता के लिए यूज करते हैं और आवश्यकता खत्म होते ही उन्हें लात मार दिया जाता है। जब जरूरत पड़ा तो ऊंची जाति के लोग एक अछूत का दूध भी अपने बच्चे को पिलाने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त उनकी बहुत खुशामद करते थे, लेकिन मतलब निकलते ही उनके साथ पुनः अछूत की तरह व्यवहार करने लगे। कड़े नियम तो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीर तो अपने स्वार्थ के हिसाब से उसमें बदलाव करते रहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि माँ का दूध बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है, लेकिन उस गरीब ने अपने बच्चे के हिस्से का दूध उस अमीर के बच्चे को पिलाया और उन्हीं लोगों ने उनके अनाथ बच्चे को भूखी पेट मरने के लिए छोड़ दिया था। ऊंच नीच का जहर
हमारी सोच को खोखला कर देता है, हमारी इंसानियत मरने लगती है। पहले जमाने में नीची जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और ये सोच आज भी है। इस कहानी में ये भी बताया गया है कि पहले लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, बेटे के जन्म पे जश्न और बेटी के जन्म पर मातम। कहीं ना कहीं ये सोच आज भी है। भूख इंसान को कितना बेबस कर देती है कि इंसान उसी स्थान पर रहने के लिए विवश हो जाता है जहां उतना अपमान और डांट सुनना पड़ता है। कहते भी है ना कि पापी पेट का सवाल है। लोग इतना गिर क्यों जाते हैं, क्यों इतना भेदभाव करते हैं? आप बराबरी में सबको सब कुछ देते हैं तो एक गरीब को क्यों नहीं दे पाते? एक गरीब को अपनी सेवा के बदले में हमेशा अपमान मिलता है और उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। एक कहावत है, जो जन्म दे सिर्फ वो ही माँ नहीं होती बल्कि जो पाले वो भी माँ होती है। और ये भी सच है कि माँ के दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। एक बात और समझने की जरूरत है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये भेदभाव सिर्फ इसलिए चला आ रहा है कि जैसे बच्चे बड़ों को करता हुआ देखता आ रहा है वैसे ही उनकी सोच भी हो जाती है। कई बार माँ बाप के सिखाने से भी बच्चे की सोच वैसी हो जाती है। कोई भी बच्चा जन्म से ये भेदभाव की भावना लेके पैदा नहीं होता, लेकिन घर में जिस प्रकार की बातें होती है, बड़े जिस प्रकार की बातें करते हैं, जिस प्रकार का भेदभाव करते हैं, वही बच्चा भी सीख जाता है। पर मेरे बता देने से कुछ नहीं होता। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इन पर गौर करें, सबका ख्याल रखें और अपने घर में अच्छी सोच लाएं, सबको समान दृष्टि से देखें। राधे राधे।